सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम साइन बोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कैसे बिल बोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी जाती है, कहां है हुकूमत की रिट। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ नहीं। लोगों ने इसको वोट दिया था कि कराची के लिए कुछ करेगा, जाओ भाई अब जान छोड़ो। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। बिजली वालों के मजे लगे हैं, अदालत के तलब करने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक पेश। मुआशी सरगर्मियां बहाल होने लगी, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तोरान, ट्रांसपोर्ट, पार्क्स खुल गए, थिएटर, सिनेमा हॉल्स, जिम, खेलों के मैदान, मजारात भी खोलने की इजाजत। सिनेमा और थिएटर में बगैर मास्क दाखिला ममनू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। सिंध में भी कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और टाउनशिप में तेज बारिश, नशेबी इलाके जेरियाब आ गए। वॉल्टन में कई कई फिट पानी जमा, लेस्को के 120 फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामपुरा, सांदा, मुगलपुरा टाउनशिप समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। डेरा गाजी खान में रखी रात से फोर्ट मनरो तक ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। ट्रैफिक जाम का सिलसिला 72 घंटे से जारी, सैकड़ों शहरी ट्रैफिक जाम में फंसकर रह गए, कई गाड़ियों में ईंधन खत्म हो गया। अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के नौमुंतखब सदर वोल्कन बोज़कर की वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज्जज मेहमान का खैर मकदम किया। वोल्कन बोज़कर ने वजारत खारजा के लॉन में पौधा लगाया। जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत, वजीर आजम की अपील पर शहरियों की शजरकारी मुहिम में भरपूर शिरकत। आप भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने, अपनी तस्वीर या फुटेज 92 न्यूज को व्हाट्सएप करें और दुनिया को दिखाएं। हुकूमत ने भी टाइगर फोर्स ऐप में जियो टैगिंग की सहूलत और ग्रीन सेल्फी फीचर मुतारिफ करा दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, कौमी टीम आज मैनचेस्टर से साउथैम्पटन रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से खेला जाएगा। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जाती मसरूफियात के बायस सीरीज के बाकी दो मैचेस नहीं खेल सकेंगे। चीनी शहर वुहान से मूजी वबा के मुकम्मल खात्मे पर शानदार ड्रोन शो। कोरोना और सैलाबी आफत के खिलाफ लड़ने वाले शहरियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। खिराज तहसीन पेश करता हूं और मैं ये जो आज पैगाम देना था अपने अपनी कौम को, वो ये कि देखें पाकिस्तान को जो अभी अमीन असलम ने आपको बताया, ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। और ये अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी हुई है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, हम ये जो बढ़ती हुई गर्मी है जिसके आगे बहुत बुरे असरात इस मुल्क के लोगों के ऊपर आएंगे, हमारी जो पैदावार है, जो हम जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है, इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो उमूमन होती नहीं है, और ये
मौसम की तब्दीली की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर चैलेंज किया है कि क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम इसको बदल सकते हैं। और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो मखलूक जो उसकी सबसे अजीम मखलूक है। फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें वो सलाहियत है जो फरिश्तों में भी नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानो। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात ख़त्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर हैं जिधर से दरियाओं में पानी आता है, 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे, यहाँ भूख और इफ्लास होगा। इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम इसको बदल सकते हैं। और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो मखलूक जो उसकी सबसे अजीम मखलूक है। फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें वो सलाहियत है जो फरिश्तों में भी नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानो। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात ख़त्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर हैं जिधर से दरियाओं में पानी आता है, 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे, यहाँ भूख और इफ्लास होगा। इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। चिश्तिया में 14 अगस्त करीब आते ही जश्न-ए- आज़ादी की तैयारियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे स्टॉल से शहरी झंडियाँ, बैजेस और कौमी परचम के रंगों वाले मलबूसात खरीद रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं राना मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट में। जश्ने आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाना जिंदा कौमों का शेवा है। यही वजह है कि पूरे मुल्क में जश्ने आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में चिश्तियां के शहरी भी किसी से पीछे नहीं।